देखिए बाद आपका स्वागत है। सुहागपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि स्टेट हाईवे 22 पर एसडीएम ऑफिस के सामने मासूम के साथ रेप के आरोपी को फांसी की मांग को लेकर चक्का जाम किया। 30 अक्टूबर से 5 साल की बच्ची अशी नहीं मिली थी, आज उसका शव बरामद हुआ है। घटना के विरोध में सुहागपुर का बाजार बंद रहा। और आपको बता दें कि सुहागपुर से यह खबर, स्टेट हाईवे 22 पर एसडीएम ऑफिस के सामने ही मासूम के साथ रेप के आरोपी को फांसी की सजा को लेकर यहां पर लोगों ने चक्का जाम कर दिया। 30 अक्टूबर की घटना है जब 5 साल की बच्ची अशी नहीं मिली थी और आज उसका शव बरामद किया गया। और इस घटना के विरोध में सुहागपुर का बाजार भी बंद रहा और यहां पर लोगों ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुलिस प्रशासन अगर सतर्क रहता तो पहले ही दिन से अपराधी को पकड़ सकते थे। अगर उसका मोबाइल ट्रेस कर दिया जाता तो पहले ही दिन अपराधी पकड़ा जा सकता था और ये घटना नहीं घटती। तो आप लोग क्या मांगे? आपको मांग हमारी ये थी कि सबसे पहले बलात्कारी को तत्काल फांसी सजा दी जाए। और आपको बता दें कि ये सुहागपुर स्ट्रीट हाईवे 22 पर एसडीएम ऑफिस के सामने की घटना है जहां पर एक मासूम के साथ दरिंदगी की गई। आपको बता दें कि रेप के आरोपी को अब फांसी की सजा को लेकर लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। 30 अक्टूबर से 5 साल की बच्ची अश्विन नहीं मिल रही थी। आपको बता दें कि पूरा एसडीएम ऑफिस के सामने चक्का जाम कर रहे हैं लोग, यहां पर उस आरोपी को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। उस 5 साल की अशी नाबालिग के साथ, उस मासूम के साथ यहां पर दरिंदगी की गई। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर से लापता थी अशी, लेकिन आज उसका शव बरामद किया गया। उसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने एसडीएम ऑफिस के ठीक सामने उस मासूम के आरोपी को फांसी की सजा को लेकर यहां पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और चक्का जाम लगा दिया। पुलिस प्रशासन लगातार इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां पर ये लोग समझने की नहीं दिख रहे हैं उम्मीद में और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोश व्याप्त है लोगों के अंदर और सीधा सीधा इनका कहना है और इनकी मांग है कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाया है कि अगर पुलिस समय रहते एक्शन लेती तो शायद उसको बचाया जा सकता था। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता देवेंद्र कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अधिक जानकारी के साथ देवेंद्र, यहां पर अगर बात करें, लगातार ये चक्का जाम करके मांग कर रहे हैं कि आरोपी को फांसी की सजा दे, ये घटना कब की और पुलिस प्रशासन अब क्या कर रहा है? ये घटना पिछले 5 दिन पुरानी है। हम बता रहे हैं 30 अक्टूबर को पिपरिया से लड़की का अपहरण किया गया था और ठीक 5 दिन बाद उस लड़की का जिसने अपहरण किया था उसकी गिरफ्तारी बुरहानपुर से हुई थी। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने उस बच्ची के साथ बलात्कार कर उसका शव पिपरिया के में दफनाने की बात कबूली थी, जिसके बाद नागरिकों का गुस्सा आंदोलन के रूप में बदल गया और आगजनी और चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो गई। चले, तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बताते हैं रेप के बाद मासूम की हत्या और उसके बाद यहां पर आक्रोशित लोगों ने यहां पर चक्का जाम कर दिया एसडीएम ऑफिस के सामने और अब आरोपी को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं लोग। यहां रेप के बाद मासूम की हत्या कर दी गई और आपको बता 30 अक्टूबर को लापता हुई थी बच्ची। यहां पर परिजनों और लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन समय रहते एक्शन नहीं लिया। इस बुलेटिन में